हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड, जिसमें हम जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें अभी ज्योग्राफी के बारे में हमने टॉपिक्स देखे, अल नीनो, ला नीना, एनजीओ, तो उसी सीरीज में कंटिन्यूस कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लोकल विंड्स, दैट इज़ आज हम बात करेंगे चिनूक, फोन, डॉक्टर विंड, सिराको, ब्लड रेन जिसको बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं वन बाई वन करके वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम इन डिटेल, राइट। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं चिनूक की, उससे पहले समझते हैं लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स होती क्या है? सो लोकल विंड्स आर एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये लोकल होती हैं, मतलब जो ज्योग्राफिकल रीच होती है दैट इज लिमिटेड वन। ज्योग्राफिकल रीच इज लिमिटेड वन मीन्स लोकल इन नेचर, बट ध्यान रखना इनका इन्फ्लुएंस जो है लोकल वेदर पे दैट इज ट्रेमेंडस वन, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है लोकल वेदर पे, दैट्स वाई दीज विंड्स बिकम्स इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये हमें समझना है। अब इनको हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यू नो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी वी कैन सी लैंड एंड सी ब्रिज जो कि लोकली चलती है, एंड विद दिस टॉपोग्राफी हम ये भी देख सकते हैं दैट इज माउंटेन एंड वैली ब्रिज, ठीक है। तो टॉपोग्राफी के हिसाब से जहां पे लैंड एंड सी होंगे वहां लैंड एंड सी ब्रिज, जहां पे माउंटेन एंड वैली होगी वहां पे चलेगी माउंटेन एंड वैली ब्रिज, राइट। इसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफिकली, अगर हम देखें तो टोटली वी विल डिवाइड दिस ज्योग्राफिकल लोकल विंड्स इन टू वेज। द फर्स्ट वन वुड बी वार्मर और हॉट, एंड द सेकेंड वन वुड बी कोल्ड वन, ठीक है। सो ध्यान रखना लोकल विंड्स लोकल होती हैं बिकॉज देयर ज्योग्राफिकल रीच इज लिमिटेड वन, बट देयर इम्पैक्ट इज नो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोकल वेदर जो होता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसके बाद इनको टर्शियरी सर्कुलेशन या टर्शियरी विंड सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं दे विल बी हॉट इन नेचर, ठीक है। तो हम इस ज्योग्राफिकल वाले की हॉट की बात करने वाले हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हॉट लोकल विंड्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिनूक, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज अबाउट द लोकल विंड्स, इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट यू कैन, ठीक है। Now, we'll discuss this चिनूक या स्नो ईटर, क्या होती है ये चिनूक या स्नो ईटर और कहाँ पे चलती है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका की, तो इन अमेरिका, इन यूएस अगर आप देखेंगे तो उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है दिस वन, दिस रिमेन्स वार्मर, ये वार्मर रहता है बिकॉज यहाँ पे जो ओशियन है दैट बिकम्स वार्मर इन जनरल, ये वार्मर ही होते हैं ओशियंस, आपको पता है धीरे धीरे कूल होते हैं धीरे धीरे वार्म होते हैं, तो ये वार्मर रहता है। इसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है, और यहीं पे है आपका रॉकीज माउंटेन्स, है ना, रॉकीज माउंटेन्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी फीचर आपको दिखेगी, दिस इज द रॉकीज माउंटेन, एंड यहाँ पे है आपका ओशियन बॉडी, दैट इज ओशियन बॉडी, एंड दिस इज द दिस ओशियन, राइट। तो इसके ऊपर हमेशा क्या रहती है, सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमेशा रहेगी, एंड दिस मॉइस्चर इज कैरीड बाई द विंड्स, ये विंड्स जो है इस मॉइस्चर को आगे ले जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस आपको पता होगा कि रेनफॉल जब आप पढ़ेंगे वहां पे, आप ये भी पढ़ते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल, उसमें होता क्या है, जो विंड है वो अगर तेजी से वर्टिकली अपराइज करती है, ऊपर उठती है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, राइट। सो कन्वेक्शन, जब भी विंड ऊपर उठती है, मैंने आपको बताया है, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन दिस वर्टिकल राइज क्या होगा, यहाँ पे 6.5 डिग्री सी जो है पर किलोमीटर वो तेजी से कूल होती है, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाएंगे इतना तेजी से आप ठंडे होते जाएंगे, विंड जो एयर है वो इस 6.5 डिग्री सी पर किलोमीटर कूल होती है, राइट। एंड जैसे जैसे कूल होती है वहां पे एक लिमिट आती है जहां पे इसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, एंड आफ्टर दिस कंडेंसेशन यहाँ पे होगा क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल, राइट। So this will be a cloud rainfall, cloud formation, and यहाँ पे क्या होगा आपका rainfall, right? Rainfall.
ये तो हो गया इस साइड में, माउंटेन के इस साइड में। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सो दिस विंड जो है, ये जो जो आपको मैंने कई बार बताया है एलिनो में भी, जैसे ये जो एयर है ये कूल होती है तो हैवी हो जाती है वेट में, एंड बिकॉज ऑफ दिस हैवीनेस ये जो है सिंक करती है। एंड जब ये सिंक करेगी नीचे की तरफ, आप ध्यान रखना पहले जब आप ऊपर उठते हैं तो 6.5 डिग्री सी पर किलोमीटर कूल होती है, जब वो नीचे आएंगी तो सेम टेम्परेचर से क्या होंगी, वार्म होंगी, क्योंकि वो सरफेस की तरफ जा रही है एंड सरफेस इज ऑलवेज वार्मर। एंड वेन यू आर कमिंग टूवर्ड्स द सर्फेस, इट मीन्स क्या होने वाला है, ये जो विंड्स हैं, ये जो एयर है, ये वार्म होने वाली है। एंड विद दिस रीजन 6.5 डिग्री सी पर किलोमीटर जो है ये वार्म होती जाती हैं, एंड दीज वार्म विंड्स जो हैं ये आती हैं इस साइड में, एंड दिस साइड ऑफ जो अमेरिका है या फिर कनाडा है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होती है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड होती है इन दिस एरिया, चिलिंग जो कोल्ड इफेक्ट रहता है उसको ये वार्म एयर जब आती है डिसेंड करती है, तो दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस वेजिटेशन। यानी कि एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे जो आइस जमने की संभावना थी उसको ये खत्म कर देती है, या फिर आइस जो होती है उसको पूरी तरह से ये वार्म एयर जो है वो खत्म कर देती है, राइट। एंड दिस इज द रीजन, इसको हम बोलते हैं स्नो ईटर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्रीकल्चर इन US एंड कनाडा इज कंसर्न, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस वॉज द प्रोसेस, यहाँ पे रेनफॉल हुआ, एंड ध्यान रखना दिस इज द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज, या फिर इसको मैं ये भी कह सकता हूँ जिस साइड रेनफॉल नहीं होता है, सेकेंड साइड उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, राइट, ध्यान रखना। सो दिस इज द एरिया, यहाँ पे आया बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होगी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज यहाँ पे जो स्नो होगी वो पिघल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस वार्मर एयर, एंड दैट वुड बी गुड फॉर अमेरिका एज वेल एज कनाडा, राइट, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो ये है आपकी चिनूक या फिर स्नो ईटर। चिनूक से आप जब भी याद रख सकते हैं, US के पास जो एक हेलीकॉप्टर है बहुत ही अच्छा वाला, जिसको वो चिनूक बोलते हैं, ठीक है। तो चिनूक या स्नो ईटर का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चिनूक, ओके। तो ये कैसी है, ड्राई विंड है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी, आप ध्यान रखना दिस वॉज द रॉकीज ईस्टर्न स्लिप। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं इसको, इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट, यू हैव सफिशियंट टाइम नाउ, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो, राइट। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी दैट ऑन द मैप, तो मैप पे अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस इज द ओशियन साइड, राइट, एंड दिस इज रॉकी माउंटेन्स। तो रॉकी माउंटेन्स का जो ईस्टर्न साइड है, दिस साइड जो है, दैट इज यहाँ पे जो आइस जो होती है वो मेल्ट डाउन हो जाती है, और एग्रीकल्चरल की जो प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ पे बढ़ती है। एंड एग्रीकल्चर अगर यहाँ पे देखा जाए, दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्रीकल्चरल एरिया, बिकॉज आपने देखा कि जो दिस साइड ऑफ माउंटेन थी यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल अच्छा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल यहाँ पे भी एग्रीकल्चर क्या होती है, अच्छी होती है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर। सो दिस वॉज चिनूक। चिनूक ध्यान रखना, माउंटेन्स ईस्ट पार्ट या फिर लीवर्ड साइड ऑफ द रॉकीज माउंटेन, ठीक है, इन US एंड कनाडा दोनों में ये चलती है, ठीक है। आई होप आपको चिनूक समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इसको अगर एक बार और देखेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देखिए, दिस इज द माउंटेन रॉकीज, दिस इज द विंड विच इज असेंडिंग, और यहाँ पे डिसेंड कर रही है, एंड दैट इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर हेयर, राइट। सो दिस इज चिनूक, पहला हो गया आपका चिनूक। अब बात करते हैं हम फोन की। सो जैसे चिनूक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है फोन का। फोन जो है वो यूरोप में चलती है, व्हेन इट कम्स टू द यूरोप्स मैप, आपको ध्यान होगा कुछ ऐसा होता है यूरोप का मैप, राइट। सो समवेयर हेयर देयर आर एल्प्स माउंटेन्स, यहां पे है एल्प्स माउंटेन, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखना दिस इज द एल्प्स, एंड एल्प्स के साइड में जब ये होता है सेम प्रोसेस, when the same process that was happening with the Chinook, अगर यहाँ पे आता है in case of Alps, तो that is known as Fawn in Europe, जो यहाँ पे next side आई है, इस तरफ जो wind आई है, warmer wind, warmer air, that is nothing but Fawn, ठीक है। So this is the concept which is there in Alps region, right? जहाँ पे जो Europe है, वहाँ पे अगर same phenomena होता है, तो इसको बोलते हैं हम Fawn, okay? Same है, आपका dry and warm जो है, ड्राई एंड वार्म लोकल विंड है, ध्यान रखना ड्राई एंड वार्म,
और ये जो एल्प्स है उनके नॉर्दर्न साइड में स्पेशली ज्यादा रहता है, दिस इज द साइड ऑफ नॉर्दर्न साइड ऑफ एल्प्स, तो ध्यान रखना नॉर्दर्न साइड जो एल्प्स की है वहां पे ये ज्यादा जो ये वार्मर विंड है, जो वार्मर एयर है, दैट इज नोन एज फॉन। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, ये भी आइस हीटर की तरह है, तो वहां पे जो चिलिंग कोल्ड होती है उसको ये मॉडरेट कर देती है, इसलिए वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, वेदर होता है जो बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली अगर आप स्विट्जरलैंड का वेदर देखेंगे सो इस फोन के कारण वो वेदर जो है बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो वहां पे उसको बोला जाता है ओएसिस ऑफ द क्लाइमेट स्विट्जरलैंड को। ठीक है, वेदर का ओएसिस बोला जाता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। यू कैन रिमेंबर कि ये फोन जो है यूरोप में पाई जाती है विद द सेम कॉन्सेप्ट, राइट। इफ यू वॉन्ट टू सी दैट ऑन मैप, तो आप देखिए मैप पे जब आप इसको देखेंगे दिस इज द एल्प्स एरिया, एंड स्पेशली जब आप देखेंगे स्विट्जरलैंड लिंचेस्टेन, ठीक है, यहाँ पे ये काफी ज्यादा चलती है, इस साइड से आपकी विंड्स आएंगी एंड नॉर्दर्न साइड ऑफ द एल्प्स जो है वहां पे वार्मर विंड्स जाएंगी। ठीक है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी है, दैट इज हर्मटन, या फिर इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। व्हाई दिस इज हर्मटन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हर्मटन और डॉक्टर विंड? अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, राइट। सो दिस इज द इक्वेटर एरिया जहां पे हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, दैट इज ITCZ एरिया, एंड हेयर समवेयर इट इज न्यू गिनी, राइट। न्यू गिनी यहां पे रहता है, एंड यहां पे बिकॉज आपको पता है ये इक्वेटोरियल एरिया है, यहां पे हमेशा क्या होगा, लो प्रेशर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट लो प्रेशर समवट हेयर यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया होगा। हाई प्रेशर एरिया जब भी होगा, मैंने आपको बताया इक्वेटर पे ट्रेड विंड्स चलती हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो विंड्स हैं ट्रेड विंड, ये इसी हाई प्रेशर एरिया से आ रही हैं, एंड ध्यान रखना ये जो है ये डेजर्ट एरिया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेजर्ट एरिया यहाँ से क्या होता है, डेजर्ट से ड्राई एंड डस्टी विंड्स होती हैं, ड्राई एंड डस्टी विंड्स, डस्टी, इनको बोलते हैं ऑफशोर ट्रेड विंड्स। ऑफशोर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनमें कुछ भी मॉइस्चर नहीं है, कोई वाटर बॉडी की तरफ से नहीं आ रही है, ऑफशोर है मतलब कोई वाटर बॉडी नहीं मिली इनको, तो ऑफशोर जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स जो हैं, वो आती हैं किधर, इस लो प्रेशर एरिया पर, न्यू गिनी साइड पे। अब ध्यान रखना व्हेन इट कम्स टू द ट्रॉपिकल रीजन्स, तो स्पेशली जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं इसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वहां पे जो कंडीशंस होती हैं वो मतलब आप वहां पे रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्ट कंडीशंस, दिस इज नॉट पॉसिबल टू लिव देयर या टू री टू हैबिटेड इनहैबिट देयर, मतलब वहां पे आप नहीं रह पाएंगे, राइट। सो ये जब ड्राई एंड डस्टी विंड्स जब यहाँ पे आती हैं तो ये जो मॉइस्चर है पूरा यहाँ का जो वेदर है उसके मॉइस्चर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर देती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे ह्यूमन बींग के लिए रहना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। सो जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको बेटर बनाती है, मॉइस्चर का जो कंटेंट है उसको कम कर देती है बिकॉज ड्राई विंड्स हैं, टेम्परेचर हाई है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई उनको हम बोलते हैं डॉक्टर विंड्स। ठीक है, बिकॉज वो क्या करती हैं, कंडीशंस को लिविंग कंडीशंस में कन्वर्ट करती हैं, जो हार्श कंडीशंस होती हैं नाउ दे आर टर्म्ड एज नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिवेबल कंडीशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड, अदरवाइज इसका नाम है हर्मटन विंड, राइट। ध्यान रखना हाई प्रेशर एरिया ऑफ दिस अफ्रीकन पार्ट से ये चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं टूवर्ड्स न्यू गिनी ITCZ एरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो लिवेबल बनाती हैं, दैट इज हर्मटन। सेम कॉन्सेप्ट है, हाइपर एरिड, बहुत ज्यादा एरिड होती हैं एंड वार्म्स होती हैं, अगेन ऑफशोर ट्रेड विंड है, तो ये भी आपकी एक तरह की वार्म विंड हो गई जो कि लोकल है इन नेचर, राइट। तो ये थी हर्मटन, कहाँ चलती है, अफ्रीका में। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सिराको, या फिर इसको ब्लड रेन बोलते हैं। जब आप उसका नक्शा देखेंगे यूरोप का, सो अगेन यूरोप का नक्शे में आपने देखा द मैप ऑफ यूरोप सेज, तो यहां पे है मेडिटेरेनियन एंड समवेयर हेयर इट इज अफ्रीका, राइट, दिस इज मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन के ऊपर होता है लो प्रेशर कंपैरेटिवली, और यहां पे आपको देखा आपने यहां पे रहता है हाई प्रेशर एरिया जो बेल्ट थी अफ्रीका की, तो हमेशा विंड मैंने आपको बताया हाई प्रेशर से टूवर्ड्स जाएगी लो प्रेशर, तो ये वाली विंड एक तरफ न्यू गिनी भी जा रही थी आपने देखा, एंड स्पेशली एक विंड जो है उसकी ब्रांच इधर भी जाएगी लो प्रेशर एरिया की तरफ। जब ये लो प्रेशर की तरफ जाती हैं विंड्स, ये ड्राई एंड डस्टी विंड्स जो हैं,
दे कैरी मॉइस्चर ओवर द मेडिटेरेनियन ओशियन, जो मेडिटेरेनियन जो सी है उसके ऊपर जो मॉइस्चर है वो ये वाली विंड कैरी करती है। और ध्यान रखना ये जो विंड यहां से चलती है, बिकॉज ये डेजर्ट था तो डेजर्ट का जो कंटेंट है, डेजर्ट का जो डस्ट है दैट इज इन रेड इन कलर, रेडिश कलर होता है, तो वो रेडिश कलर का जो डस्ट है व्हेन इट पासिस ओवर मेडिटेरेनियन ओशियन इट कैरीज द मॉइस्चर ऑफ दिस मेडिटेरेनियन ओशियन टूवर्ड्स यूरोपियन, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी तरफ ले जाती है। एंड जब वहां पे ये पहुंचती है विंड तो ये रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे रेनफॉल को भी लाती है। एंड उस रेनफॉल में बिकॉज ऑफ दिस रेडिश सैंड कंटेंट वो जो रेनफॉल होता है इट अपीयर्स लाइक वेरी रेड एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लड रेन। ठीक है, ऐसा लगता है मतलब खून की बारिश टाइप, रेड ब्लड रेन टाइप की आपको दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस सैंड कंटेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से चलेगी ओवर दिस मेडिटेरेनियन सी एंड जब यूरोप में पहुंचती है तो यहाँ पे आपको सेम कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया, जब भी विंड्स कभी किसी भी हिली एरिया से निकलती है तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे भी बारिश होती है। एंड दिस बारिश जो है, दिस रेनफॉल इज नॉन एज ब्लड रेन बिकॉज उसमें क्या होता है, रेड सैंड कंटेंट होता है। एंड याद रखना जो यूरोप का मेडिटेरेनियन रीजन है ये जाना जाता है अपनी विटीकल्चर के लिए, स्पेशली यहाँ पे ग्रेप है ना, ऑरेंजेस, ये बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके लिए ये बहुत हार्मफुल होती है, तो ये याद रखना दिस इज नॉट गुड फॉर दिस जो ग्रेप जो वाइन इंडस्ट्री है उसके लिए ये नुकसानदायक होती है। राइट, सो दिस वाज द फोर्थ दैट इज सिराको, जिसको हम बोलते हैं ब्लड रेन। इसके लोकली काफी सारे नाम हैं, ठीक है, तो विद दीज लोकल नेम्स आप देख सकते हैं क्या क्या इनके नाम हैं, आप मैप पे देखेंगे। सो देखिए ये सारे नाम इसी के ही हैं, सिराको ही है, चिली, जिबली है ना, खमसिन और भी बहुत सारे नाम हैं आप देखेंगे। दिस इज लेवेशे या फिर लेवेंटर, दैट इज इन स्पेन, इसी सिराको को बोलते हैं हम स्पेन में लेवेंटर या लेवेशे। अगर खमसिन की बात करें तो इजिप्ट में आप देख सकते हैं, दिस इज इजिप्ट एरिया, दैट इज खमसिन। चिली इन ट्यूनिशिया, ये चिली आप देखिए ट्यूनिशिया में, दिस इज आपका जिबली, एंड जिबली होता है आपका लीबिया में, जिबली दिस इज लीबिया, ओके। एंड जब वेस्ट एशिया की बात करते हैं दिस पार्ट में, तो इसमें आप बोलते हैं इसको सिमोम, ठीक है, या वेस्ट एशिया में सिमोम, या फिर यही होता है डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जब भी आता है तो उसको वहां पे सिमोम बोला जाता है, तो ये इसके लोकल नेम है, दैट इज सिराको। आई होप आपको ये सारी लोकल विंड समझ में आ गई होंगी। सो दैट वाज अबाउट द लोकल विंड्स, नेक्स्ट में हम देखेंगे कभी कोल्ड वाली या जो आपकी कूल वाली होती है वो नेक्स्ट हम पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.